और सहज स्वभाव के आदमी हैं। हम बहुत ज़्यादा पुरानी बात को माने कि हम बदले की भावना के लिए कुछ पुरानी बात को हम याद नहीं रखते हैं। कितने लोग हमारे साथ बहुत तरह की बात थी लेकिन हम लोग कभी इस तरह की बात पुरानी बात की याद नहीं रखते। भाई हम लड़ना नहीं चाहते हाँ, क्योंकि हम पढ़ने पढ़ाने से एस एम कॉलेज में हम बदनाम थे क्लास लेने की वजह से। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में हम लोग तीन आदमी थे, अरुणा जी, मिली दी और हम। अरुणा जी हेड थी, मिली दी सेकेंड मैन, हम थर्ड मैन थे। तीनों आदमी हर वक्त क्लासे लेते रहते हैं हाँ। तो उसमें अरुणा जी एक दिन आई और आके एक क्लास खाली था और उसमें लेकिन फिजिक्स के टीचर का क्लास था। तो ये इससे मतलब जो हम बताने जा रहे हैं कि फिजिक्स का क्लास था लेकिन फिजिक्स का टीचर नहीं पहुंचे और मैथमेटिक्स का जो क्लास था किसी वजह से कोई ताला बंद था, नहीं खुला। अरुणा जी क्या की अपने सारे स्टूडेंट्स को लेकर उस क्लास में घुस गया और फिजिक्स के टीचर आए 10 मिनट लेट, नवल किशोर गुप्ता, और आके अरुणा जी को क्लास से निकलवा दिया। जोर जबरदस्ती का आप निकलिए हमारा क्लास। तो अरुणा जी निकल गई। उसके बाद हमारे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के लोग स्टूडेंट्स सारे हंगामा किया पूरा, काफ़ी प्रिंसिपल के पास गए कि ऐसा क्यों हुआ हमारे टीचर के साथ। तो इसमें हमको इन्वॉल्व किया गया कि रफी का ये पॉलिटिक्स है जो आई वॉज नोइंग नथिंग अबाउट दैट मैटर। हम कुछ भी नहीं जानते थे, हम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन बोले कि रफी का ही पॉलिटिक्स है। निशा राय प्रिंसिपल थी, हमको बुलाए कि भाई इस तरह से क्यों, लेकिन हम जानते भी नहीं। आप बोलिए स्टूडेंट्स को, किसको हमने कहा कि इस तरह से जाके करो। हम कभी भी स्टूडेंट्स के बीच में ये पॉलिटिक्स में किसी को डिस्टर्बेंस क्रिएट करने में, यहाँ पर पीजी में आने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए पीजी में आने के लिए कुछ दिनों पहले कुछ बैच के स्टूडेंट्स हंगामा किया था। उस वक्त जयशंकर था हेड हुआ करते, तो हम उस वक्त रांची में थे। हम कुछ भी नहीं जानते और यहाँ पर मेरे आने के लिए मैं उनको बुलाया जैसे कॉलेज से पीजी में ट्रांसफर कराया। बोले कि रफीक पॉलिटिक्स कर रहा है तो भाई रफीक पॉलिटिक्स बगैर किए ये बदनाम है पॉलिटिक्स करने के लिए। हम कभी पॉलिटिक्स वोलिटिक्स नहीं किया स्टूडेंट से, शायद तुम लोगों को भी मालूम होगा कि अभी पढ़ाने पढ़ने के इसमें क्रम में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। स्टूडेंट को जितना पढ़ाना है लेकिन रिसर्च के फील्ड में भी एक्टिव रहे, पढ़ने पढ़ाने के फील्ड में भी एक्टिव रहे, ट्यूशन किए बहुत दिन तक, अब ट्यूशन बंद कर दिए हैं लेकिन रिसर्च के फील्ड में भी काफ़ी एक्टिव रहे। अभी तक मेरा करीब करीब मैंने तुम्हारी ये नहीं कि देखावा नहीं कर रहे, मेरे तुमको भी इसमें इंस्पायरेशन मिलेगा। ये मैंने इस तरह की ट्यूशन करने वाला इतने एक्टिव आदमी भी इतना काम कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। व्हाई नॉट यू और किताब तीन लिखा हमने हमारे अंदर से लास्ट तक अगर सभी का डिग्री अवार्ड हो जाए 17, 18, 19 के गए ऐसा कुछ होगा। तो रिसर्च पेपर भी हमने कंट्रीब्यूट किया यूनिवर्सिटी को, मैडम से अब तो आज हम अवकाश प्राप्त हो रहे हैं, अब तो हमारे पास बंधन नहीं रहेगा कि भाई 11 बजे के पहले रेस्ट्रिक्शन विल नॉट बी इम्पोज फॉर मी आफ्टर टुडे। आज के बाद इस तरह की इस रेस्ट्रिक्शन मेरे साथ नहीं रहेगा। अगर आप लोगों ने चूंकि रिक्वेस्ट किया है तो हम जरूर सोचेंगे। हमको 2-4-5 दिन 7-10 दिन हमको रेस्ट में रहने दीजिए, हमारा पैर भी थोड़ा सा ये है। रेस्ट में रहने के बाद जब हम थोड़ा ठीक ठाक हो जाए आगे फिर आप लोग भी आएंगे, हम क्लास लेंगे और मेरा जो रुचि खत्म करके ही जाएंगे क्योंकि मेरी बेटी अभी 3rd सेमेस्टर में है। उसको भी थर्ड सोची चलो इसको तो लाना ही पड़ेगा हमको, तो थर्ड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ जब तक रहेगी
तब तक हम तुम लोगों का क्लास जितना होगा हम करके खत्म कर रहे हैं। तुम लोग इंस्पायरेशन की बात हम करते रहेंगे तुम्हारे बीच में, है ना, तुम्हारे रिसर्च की बात करते रहेंगे। हाँ, फ्यूचर प्लान में एक देखो, एक एमएससी जब स्टूडेंट करने आता है ना, इसके मतलब कि वो एमएससी करेगा या तो पीएचडी करेगा तो बीएड करेगा, तो टेंथ क्लास का टीचर बनेगा या तो ट्वेल्थ का टीचर बनेगा या तो कॉलेज टीचर बनेगा। और टीचर बनना बुरी बात नहीं है, सौभाग्य की बात है। जो टीचर बन जाता है ना, कम से कम उसका बच्चे बच्चे का तो कम से कम सुधार हो जाता है। हम लड़कियों को तो अक्सर कहते हैं, हमारे कोचिंग के बैच का हो, यहाँ का बैच का हो, कॉलेज के बैच का, ऑलवेज हम सब दिन सबको कहते रहे कि टीचिंग में आने की कोशिश करो। बच्चों को पूछ से क्या करोगे तो बैंकिंग में जाए, क्या करोगे एसएससी क्वालिफाई करने, तो बोलती रहती है बोले तुम टीचिंग में जाओ ताकि तुम्हारा कमिंग जनरेशन इस्टेब्लिश हो जाए। अगर एक माँ एक अच्छी टीचर बन जाती है, अच्छा टीचर मैंने कम्युनिटी में आ जाती है, उनके बच्चे बिगड़ नहीं सकते। बच्चे सुधरेंगे नहीं सुधरे इसकी गारंटी लेंगे, अगर माँ टीचर बन जाती है रिस्पॉन्सिबल टीचर तो उसके बच्चे जरूर सुधर जाते। माँ बनने वाली है सबों को कहे कि टीचर बनने की कोशिश करो, एमएससी करते हो टीचर बनो, हाई स्कूल में बनो, मिडिल स्कूल में बनो, कॉलेज में बनो, प्लस टू में बनो, जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाके देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाके देखो कि लड़कियाँ टीचिंग जॉब काफी प्रीफर करती हैं। बहुत सारे कॉलेज तो बहुत 50% 40% तो जरूर टीचर बने, लेडीज टीचर होंगे, मैंने ये साइंस सब्जेक्ट हो, आर्ट सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, लड़की लोग खूब टीचर है। हमारे कई स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, लोग कभी कभी जाते हैं मिलते हैं, तो लोगों को कॉलेज भी बुलाते हैं, कई फंक्शन में भी कई बार अटेंड करने का मौका मिला। देखा कि लड़की लोग काफी टीचिंग जॉब में दिल्ली करते हैं, बिहार में नहीं है इस तरह का, लेकिन लड़कियों को आगे आना चाहिए टीचिंग जॉब में ताकि उनके कमिंग जनरेशन उनके बाल बच्चे सुधरे ठीक से। क्योंकि आज का जो मोबाइल का जमाना है ना, माँ इधर मैंने पोखर में जाके कुछ काम कर रही है, पोखर में जाके नहा रही है, बेटा छोटा बच्चा मोबाइल लेके देखते देखते नदी के अंदर गया और बच्चा मैंने कूदता फांदता रहा, डूब के मर गया, लेकिन माँ भी मोबाइल देख रही थी और बेटा भी उधर मोबाइल देख रहा, छोटा बच्चा चला के डूब गया और माँ इधर मोबाइल देख रही थी। मोबाइल जो है ना, मोबाइल कल्चर सुधरी अभी के जमाने में मोबाइल का बहुत बुरा कल्चर है, इसीलिए कम से कम माँ अगर टीचर बन जाती है तो कम से कम पढ़ेगी लिखेगी, तो क्लास में जाके पढ़ाना है ना, तो वक्त अगर कोई भी जॉब करोगे तो पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, टीचर को पढ़ना पड़ता है। बैंक में जाओ तो उसका क्या पढ़ने की क्या जरूरत है, पुलिस अफसर बनने तो पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन अगर एक टीचर बन जाए तो हर वक्त किताब से कॉपी से जुड़े रहोगे, क्या होगा उसमें तुम्हारा जो घर का स्पेयर टाइम है या आलतू फालतू टाइम जो सब मोबाइल देखने में, कहीं सिनेमा देखने में, कहीं मूवी देखने में टाइम गुजारोगे, वो तुम्हारा पढ़ने में टाइम गुजरेगा, अच्छा काम में टाइम गुजरेगा और तुम्हारा लाइफ फ्यूचर लाइफ भी एक अच्छा आदर्श लाइफ बन सकेगा। तो जिंदगी के बीच में लोग सुन तो अब बहुत ज्यादा अब जाना भी है मैडम सर, ओके हमारे पास तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं मैडम, तो अब हम यही लोगों से हमने तो हम मेरे लिए सब शुभकामना दिया हमको कि भाई उज्ज्वल भविष्य के साथ अच्छे स्वास्थ्य के साथ रहिए और अच्छे ड्यूटीफुल होके रहिए और सब कुछ जो काम कर रहे हैं कीजिए, लेकिन बंधन मुक्त होके कीजिए, बंधन मुक्त हो चुके हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे, आप लोगों से वादा करते हैं कि फ्यूचर लाइफ जो भी होगा मेरा पढ़ने पढ़ाने से ही जुड़ा रहेगा।